नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा नंबर सिस्टम, जिसमें हम अब तक आपको तीन पार्ट बता चुके हैं। आज नंबर सिस्टम का पार्ट फोर्थ है। चौथे पार्ट को देखने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन है, इसमें रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता हमें, ठीक है। तो वो कंप्लीट सीखोगे तभी कुछ पल्ले बढ़ेगा, वरना तो दिक्कत रह जाएगी सर, ठीक है। तो आ जाते हैं आज का नंबर सिस्टम पार्ट फोर। देखिए, पहला सवाल कह रहा है, यदि एक से सौ तक की संख्याएं लिखे तो अंक चार कितनी बार लिखना पड़ेगा। अब होता क्या है, बहुत सारे भाई इसको रट लेते हैं, लेकिन रटने के साथ साथ आपको थोड़ा समझना भी है सर, ठीक है। तो आ जाते हैं पहले, क्योंकि ये दो सवाल तो आराम से हो जाएंगे, रट के काम चल जाएगा, तीसरा सवाल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पहली चीज, हम भी ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन याद रखने के साथ साथ कुछ समझना भी है। देखते हैं, ये कह रहा है एक से सौ तक की संख्या लिखे तो अंक चार कितनी बार लिखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है एक से निन्यानवे तक। अगर हम एक से निन्यानवे तक की संख्या लिखते हैं तो प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 20 बार। यह आपको ध्यान रखना है, एक से निन्यानवे तक की संख्या लिखे तो प्रत्येक अंक 20 बार आता है, शिवाय जीरो के, जीरो छोड़कर है सर, ठीक है। जी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ कुछ भी पूछे, आपको 20 बार याद रखना है, लेकिन शिवाय जीरो के, एक्सेप्ट जीरो। एक से 999 तक प्रत्येक अंक आता 300 बार। पहले आप इन दो चीजों को याद रखेंगे, एक से 99 तक 20 बार आएगा, एक से 999 तक 300 बार आएगा। अब बहुत सारे भाई इसमें कंफ्यूज है, याद रखना 99 कह रहा हूं मैं, 100 नहीं कह रहा हूं। 100 ना कहने का भी एक कारण है, 1000 तक ना कहने का भी एक कारण रहेगा, ठीक है। तो 99 और 999 याद रखना, 100 और 1000 याद नहीं रखना, 20 बार और 300 बार याद रखना, 200 नहीं 300 है यहाँ पर, ठीक। क्यों है उसको देखते हैं सर। अब सपोज कीजिए एक से 99 तक कोई कहने लगे जी 20 बार कैसे आ गया। अब आपसे कहे 20 बार कहाँ आ गया, मान लिया हमें एक से 99 तक कोई भी एक अंक ले लेते हैं, जैसा कि हमारा सवाल में था, एक से सौ तक की संख्या लिखे तो अंक चार कितनी बार लिखना पड़ेगा, कितनी बार चार लिखना पड़ेगा, 20 बार। आंसर आया 20 बार। क्यों, क्योंकि 99 तक 20 है, 100 में तो हम चार का प्रयोग कर ही नहीं रहे, तो 20 बार आएगा। एक से सौ तक की संख्या लिखे तो सात कितनी बार आएगा, 20 बार। आठ कितनी बार आएगा, 20 बार। लेकिन अगर पूछे एक से सौ तक की संख्या लिखे तो अंक एक कितनी बार आएगा, तो 21 बार आएगा भाई, बस ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि 100 में भी तो एक आ जाएगा ना, हमने तो 99 तक याद करा है, तो 100 में 21 बार आ जाएगा, ओके। एक अगर एक को पूछ रहा, बाकी सारे 20 बार। हम चार वाले को ही देख लेते हैं, चार वाला जो है, हमने कहा एक से 99 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है, तो चार 20 बार कैसे आया देखते हैं सर। पहली बार आया चार पर, 14 24 34, थोड़ा छोड़ देते हैं अभी हम, 54 64 74 84 94, ये आ गया एक। तो अभी हमने देखिए 44 छोड़ दिया था, तो आ जाते हैं 40 41 43 44 45 46 47 48 49। सभी में चार आया है, चार का प्रयोग हुआ है, तो चार कितनी बार आया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ तो यहाँ हो चुका है। देखते हैं इधर की तरफ, सिर्फ यहाँ पर है 10, क्लियर। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कोई डाउट नहीं। तो चार आया 20 बार, क्यों, क्योंकि कुछ पर दहाई पर भी आएगा और इकाई पर भी आएगा, ठीक है। दहाई और इकाई मिलाकर 20 बार आ गया। ऐसे ही हमें आपको हर चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन याद कर मतलब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखेंगे 20 बार आएगा एक से 99 तक, चाहे कोई भी है, चाहे एक पूछे, चाहे दो पूछे, चाहे तीन पूछे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, 100 तक पूछे तो एक 21 बार हो जाता है, बाकी सारे 20 बार हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर,
अब हमारा ये भी हो गया। दूसरा कह रहा है यदि एक से एक हजार तक की संख्या लिखे तो अंक नौ कितनी बार आएगा। मैंने कितनी बार बताया, 300 बार। ठीक है, वो 20 बार, यहां 300 बार, यहां तक भी क्लियर हो गया। ये दो चीज तो आपके याद होनी चाहिए। अब इससे क्या, इससे भी ज्यादा पूछा जा सकता है? पूछा गया सर, पूछा जा सकता नहीं, पूछा हुआ है सवाल। ओके, कैसे देखते हैं, 400 से 700 तक की संख्या लिखे तो अंक 6 कितनी बार लिखना पड़ेगा। अब भाई देखिए, ऐसे सवाल में हमें जो सबसे जरूरी चीज है वो जो समझना है, बीच में से अगर कहीं से भी उठा रहा है तो जनरली ये ऐसे ही उठाएगा, 400 से 700, 200 से 600 तक पूछ लिया, 500 से 1000 तक पूछ लिया, तो ऐसा कहीं से पूछ सकता। तो उसके लिए समझिए, अभी हमने जो 20 बार याद किया है वो 0 से 99 तक, 1 से 99 तक, उसमें इकाई और दहाई का प्रयोग था। ठीक है, याद रखना, इकाई और दहाई का प्रयोग था, सैकड़ा नहीं था। तो अगर हम 400 लिखते हैं, 400, 401, 499, 500, 501, 599, 600, 601, 699 और 700, यहीं तक तो बताना है ना सर हमें। तो देखिए यहाँ पर 0 से 99 है, या ये देखिए सिर्फ इकाई और दहाई को देखना, आपको इकाई और दहाई 0 से 99 है, तो इकाई और दहाई पर कितनी बार आया, 20 बार। कौन सा अंक, 6 पूछ रहा, तो 6 पर ही ध्यान देना। ओके, इसमें देखते हैं, इसमें भी 0 से 99 है, इकाई और दहाई कितनी बार आया, 20 बार। इसमें 0 से 99 है, 20 बार। ये जो 20 20 20, तीन सैकड़ा हो गए हैं, तीन सैकड़े में 60 बार। ठीक है, तो अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूं, बाकी ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपने देखा 400 से 500, 600, 700, तीन बार 100-100 का आया है, तो 20 20 20, 60 बार तो ये आ गया। कहां पर, इकाई और दहाई मिलाकर 60 बार, याद रखना इकाई और दहाई। अब हमें बस एक्स्ट्रा और देखना सैकड़ा, क्या सैकड़े पर भी प्रयोग हुआ है? यहां पर 6 नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर 6 हर बार आएगा, यहां पर 6 हर बार आएगा सर। जब 6 हर बार आएगा तो 0 से 99 कितनी संख्या, 100, 100 संख्या, तो 100 बार 6 एक्स्ट्रा आया, कितना हो गया, 160 बार। तो सवाल का आंसर आ गया, 400 से 700 तक की संख्या लिखे तो अंक 6 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 160 बार। कोई डाउट तो नहीं है, चलिए देखते हैं सर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये देखना कि भैया सैकड़े पर आया या नहीं, पहली बात। दूसरा, कितने सैकड़े आए हैं। अब जैसे ध्यान से देखना, अभी मैं एक दो सवाल और एक्स्ट्रा करके देखा रहा हूं आपको। मान लिया ये कह रहा है 200 से 600 तक, 200 से लेकर 600 तक अंक 8 कितनी बार आएगा। अब 200 से 600 तक कितने सैकड़े हैं, 4 सैकड़े हैं भाई। 200 से 600 यानी 400 संख्या ली है, दोनों को शामिल करेंगे तो 401 हो जाएगी, तो 4 सैकड़े हैं। तो 4 सैकड़ा जो आए हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर में 20 बार आएगा, तो 4 × 20 कितना हो गया भैया, 80 बार। ये क्लियर है। अब 80 बार तो इकाई और दहाई पर आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट पर आएगा। अब 100 डिजिट पर देखना है तो 8 अंक, क्योंकि लास्ट संख्या जो आएगी 599 में 600 आएगी, 800 तो नहीं आएगी सर, तो इसके मतलब सैकड़े पर नहीं आएगा, तो आंसर 80 बार आ गया। ओके, अगर कहता 200 से 600 तक अंक 5 कितनी बार आएगा, तो ये 80 बार तो पक्का आता, और 500 से 599 तक 100 बार एक्स्ट्रा आता, तो कितना हो गया, 180 बार। यानी आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने आपको समझाते समय बताया था। आप देखेंगे कितने सैकड़ा आए, उसमें 4 मतलब 20 की गुणा करेंगे, ये आ गया सर। और फिर ये देखेंगे कि सैकड़े स्थान पर है या नहीं है, अगर है तो 100 बार होगा, जनरली सवाल ही ऐसा बनाता है एग्जाम में। यहाँ तक क्लियर है भैया? ओके, अब आपसे कहीं से भी कहीं तक पूछा जाए आप बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि 1000 से 2000 के बीच अंक 1 कितनी बार आएगा, ट्राई कर सकते हैं। पूछ सकता है कि 2000 से 3000 के बीच अंक 3 कितनी बार आएगा। आप हर चीज को बता सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है सर, लेकिन थोड़ा सा आपको बढ़ाना है तो। लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैं बता चुका हूं इतना काफी है सर। ठीक है, ओके सर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर सदैव किससे विभक्त होता है, ये भी थोड़ी चीजें याद रखने वाली चीज है, याद रख लो तो नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं। दो क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं दो, उनके वर्गों का अंतर सदैव किससे विभक्त होता है, चार छह आठ या बारह, इसमें भी चार छह आठ बारह, यहां विषम है यहां सम है, बस ये ध्यान रखना, पूछा गया है एसएससी सीजीएल ने भी पूछा ये पहले, ठीक है, कंफ्यूज क्योंकि कंफ्यूज करता है। तो अब आप करेंगे क्या सर, आपको देखना है क्या है, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहां आठ आएगा यहां चार आएगा, इसमें आठ आंसर है इसमें चार आंसर है, लेकिन अगर नहीं याद रख पा रहे तो उसके लिए देखिए, दो क्रमागत विषम पूर्णांक कह रहा है तो सबसे छोटे दो सेट ले लो, पहले ले लेते हैं एक और तीन, नौ और एक का अंतर कितना भैया आठ, वर्गों का अंतर ही करना है ना, दो क्रमागत विषम पूर्णांक लिए एक तीन, इनके वर्गों का अंतर है आठ, तीन और पांच सोलह, पच्चीस में नौ गया सोलह, और भी चार ये तो कर सकते हैं, पांच और सात, पांच और सात कितना है भैया उनचास में से पच्चीस गया चौबीस, आठ आठ बढ़ता जा रहा है सर, इसका मतलब क्या है, आठ से तो कटना ही कटना है, आंसर आ गया आठ। अब ये चार से भी कट रहा है लेकिन हमें तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी होती है ना, ठीक है, तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, वो लैंग्वेज में मैंने प्रयोग नहीं किया लेकिन आपको बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभक्त होता है ये बताना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं संपूर्णांक, तो संपूर्णांक की बात करें तो चार का दो और चार ले लेते हैं, चार का वर्ग में से दो का वर्ग कितना आ गया बारह, सोलह में से चार गया बारह, चार और छः ले लेते हैं बीस, अब ये तो आठ से नहीं कट रहा, ये किससे कट रहा है, चार से कट रहा है, तो इसका आंसर आठ, इसका आंसर चार। अगर आप भूल जाएं तो याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, आठ है या चार है, लेकिन अगर भूल रहे हैं तो शुरू के दो तीन संख्या करके देख लेना चाहिए, ये नियम बहुत जगह काम करता है सर हमारा। जैसे एक और सवाल देखते हैं सर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किन्हीं चार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल, किन्हीं चार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी है, कोई भी चार ले सकता है, वो कह सकता है भैया उसने उठाया सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ, ठीक है, वो कह सकता है 71, 72, 73, 74, तो पता नहीं कहां से उठा ले वो, तो ऐसी चार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बता रही है जो हर कंडीशन में काटे, चार की जगह पांच भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, ठीक है, दो भी आ सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी आ सकता है सर, तो आप सभी के लिए याद नहीं करना, अगर पूछ रहा चार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या तो आप शुरू की चार संख्या ले लो बस, इनका गुणनफल कितना बैठ रहा है चौबीस, आंसर आ गया 24। किन्हीं चार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 24 है, आप कोई सी भी चार संख्या लेंगे लगातार उनका गुणा करेंगे 24 से 100% कटेगा ही कटेगा, ठीक है। जैसे पिछली वीडियो में एक भाई ने जीरो ले आए थे, तो जीरो जो होता है ऐसे में छोड़ दिया जाता है, जीरो को आप इग्नोर कर देना, जैसे पिछली वीडियो में भी एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया वो पलटने वाला जो सिस्टम था वो जीरो ला रहे थे अंतर, तो अंतर जीरो को तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर चार आ गया, पाँच पूछ रहा तो 120 आ गया, छः पूछ रहा तो 720 आ गया, तीन पूछ रहा तो छः आ गया सर, तीन पूछ रहा तो यहीं तक की गुणा करेंगे ना, आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए सर, समझ में आ गया होगा, ये भी आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ना तो याद रखनी होती ना कुछ करना होता, बस पता होना चाहिए कैसे करते हैं हम इसमें। अगला सवाल, दो की पावर सात, तीन की पावर पांच, पांच की पावर ग्यारह, सात की पावर छह के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमें, तो आ जाते हैं भाई। तो ऐसे में हमको पढ़ा दिया जाता है कि हमें सिर्फ पावर को जोड़ना है, सात पांच बारह, बारह और ग्यारह तेईस और छह उनतीस, आंसर उनतीस है, ठीक आंसर है। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो जो पावर है उसको जोड़ दीजिए, यह पढ़ा दिया जाता है हमें, लेकिन एक चीज ध्यान रखना सर, इस सवाल को अगर यहां पर भी करें इस तरीके को तो यहां रहा सात चार ग्यारह सोलह छब्बीस, जो कि गलत आंसर है, यहां उनतीस सही है, यहां छब्बीस गलत है, क्यों गलत है उस पर आ जाते हैं। देखिए सर, आपको बस थोड़ी सी एक चीज एक्स्ट्रा सीखनी है, अगर पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपका जो संख्या है जिसकी पावर दे रखी है उनके जो आधार हैं वो अभाज्य होने चाहिए, जब तक आधार अभाज्य नहीं है तब तक आप पावर को नहीं जोड़ेंगे सर,
ठीक है। तो यहाँ 7, 5, 3, 2 अभाज्य है, लेकिन यहाँ 2, 3 अभाज्य, 4 और 6 अभाज्य नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहले हम इसको अभाज्य बनाते हैं, याद रखना इसका 26 आ रहा था डायरेक्ट करे तो, ठीक है। तो 2 की पावर 4 रहने दे गुणा 3 की पावर 7 रहने दे, 4 की पावर 5 को मतलब 2 की पावर 2 की पावर 5, 6 की पावर 10 का मतलब है 2 गुणा 3 की पावर 10, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10, तो 10, 20, 30, 41 आंसर 41 है, 26 नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आपको पहले आधार को अभाज्य बनाना है, जब सारे आधार अभाज्य हो जाए तो इनकी पावर को जोड़ दो, यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, दो मैं सवाल एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप अंतर समझ पाएं सर, ठीक। बहुत आसान चीज़ है तो इस पर टाइम खर्च नहीं करते हम। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के आते हैं, किससे विभक्त होती है किससे नहीं। जैसे सवाल पूछा गया, इनमें से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होती है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभक्त होती है, आ जाते हैं सर। अब देखिए जनरली सभी जानते हैं तो थोड़ा सा हम स्पीड से ले लेते हैं सर। देखिए अगर हमें चेक करना है कि कोई संख्या किसी से विभक्त हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए कुछ नियम याद रखिए। पहला ग्रुप बनाते हैं, पहला ग्रुप लीजिए 2, 4, 8, 16, 32, 64 भी ले सकते हो आप। एक ग्रुप है 2, 4, 8, 16, यह है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। इस तरह से लेते हैं। अब मान लिया एक संख्या आ गई, हमसे कोई कहने लगे 2, 5, 8, 9, ये संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही, तो हम देखते कह देंगे 2 से नहीं कट रही, क्योंकि हम सिर्फ लास्ट अंक को देखते हैं, इससे पहले क्या लिखा हुआ उसको नहीं देखते। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या कटेगी, यानी हम एक अंक को काट कर देखते हैं, ठीक है। अब अगर हमसे कोई कहे 3, 2, 8, 5, 4, अब कहने लगे 2 से कट रही है या नहीं कट रही, तो 2 से कट रही है। 4 से कट रही है या नहीं कट रही, तो 4 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो लास्ट 2 अंकों को से बनने वाली संख्या को देखेंगे। अब 54 कटती है क्या, 54 तो नहीं कटती, क्योंकि 13 बार काटे तो 52 और 14 बार काटे तो 56, 52 कट जाती है, 56 कट जाती है, 54 नहीं कटता, तो इसलिए यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। अगर सपोज कीजिए यहां पर दे दिया इन्होंने 76, 4 से कट रही है, कट रही है, तो ये भी 4 से कट जाएगी। तो अगर हम 2 में एक अंक को देखते हैं तो 4 में 2 देखते हैं, 8 में 3 देखते हैं, 16 में 4 अंकों के, लास्ट के 4 अंकों की संख्या को देखते हैं। अब इसका क्या करना, जैसे सपोज कीजिए ३५, ४२, ९४४ कह रहा कि ये 8 से कट रही है या नहीं कट रही, हम 8 से चेक करेंगे, तो हमें पूरे को काटने की जरूरत नहीं है, इसको काटिए 944, 8 कम 8 एक बचा, 8 कम 8 छः बचे, 8 8 64 कट गई, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। पूछ रहा 16 से कट रही है या नहीं कट रही, तो किसको काटेंगे, 2944 को, इतने को काटने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ इसको काट कर देखिए सर, ठीक है। जैसे अब 2944 काटते हैं 16 से, तो 16 एकम 16 कितना बच गया, 13 बच गया, ठीक है, 134 हो गया, 16 अट्ठे 128 कितना बच गया, 6 बच गया, 16 चौके 64 कट गया सर, ठीक है। तो 16 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, अब 8 और 16 से कट रही है तो उनसे छोटी संख्या से तो कट नहीं कट रही है, 4 से भी 2 से भी कटेगी सर, कोई डाउट तो नहीं सर। तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर 2, 4, 8, 16 से चेक करना है तो हम क्या करते हैं, 2 पर 1 अंक, 4 पर 2, 8 पर 3 और 16 पर लास्ट के 4 अंकों से बनी संख्या। अगर 32 है तो 5, 64 है तो 6, ठीक है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती याद रखना कभी भी, क्योंकि इतना बड़ा वो कैलकुलेशन नहीं देगा, बस ज़्यादातर 16 तक दे सकता है। तो एक ग्रुप आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा ग्रुप करते हैं हम 3 और 9 का, ठीक है। अगर हमें कोई संख्या 3 से या 9 से चेक करनी है तो क्या करेंगे सर, हम 3 और 9 के लिए क्या करते हैं, 3 का मतलब है अंकों का योग, 3 से कटे,
यहाँ भी वही नियम है, तीन और नौ का भी नियम वही है, अंकों का योग तीन से कटे, अंकों का योग नौ से कटे। जैसे एक पाँच सात, 157 को चेक करना तीन से कटेगा या नहीं, तो सात पाँच बारह एक तेरह, कटता क्या? तेरह तीन से नहीं कटता, तो ये तीन से नहीं कटेगा। मान लिया ये हो गया 1572, तो अब इसका टोटल कितना भैया? 15 है, तो ये 15 जो तीन से कटता तो ये संख्या तीन से कट जाएगी। अंकों के योग को तीन से काटना है। नौ क्या कह रहा है? नौ के लिए अब इसका टोटल कितना आया अंकों का? अंकों का टोटल आया 15, तो 15 नौ से कटता क्या? नहीं, नौ से काट कर देखना तो नौ से ही कटनी चाहिए योग, तीन वाले के लिए तीन से ही कटना चाहिए, तो ये तीन से कट जाएगी, नौ से नहीं कटेगी। लेकिन याद रखना, अगर कोई संख्या तीन से कट रही है वो जरूरी नहीं नौ से कटे, लेकिन अगर कोई संख्या नौ से कट रही है तो ये पक्का है कि वो तीन से जरूर कटेगी, ठीक है, क्योंकि तीन भी तो नौ का गुणज है ना। ओके, जैसे अब मान लिया एक सवाल आ गया, ठीक है, अब ये चेक करना कि 9 से कट रहा है नहीं कट रहा, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम चाहें तो इसमें 9 के ग्रुप बना सकते हैं, चाहे तो, जैसे हमने ये देखा 9 है इनको जोड़े ही मतलब, ठीक है, और भी चाहे तो और भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन जैसे 6 और 3 9 है, इसको छोड़ दो, 8 2 10 5 15, 9 से कटता क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये संख्या नहीं कटेगी। लेकिन याद रखना, बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो सारा जोड़ लीजिए, 3, 2, 5, 5, 10, 18, 25, 25, 27 और 6, 33 और 9, 42 जो है तीन से कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। कोई डाउट नहीं? ठीक है सर, तो हमने 3 और 9 समझ लिया, 2, 4, 8, 6, 16 समझ लिए। इसके बाद एक संख्या रह गई हमारी बीच में 6, याद रखना, देखिए ग्रुप में समझेंगे तो बहुत आसान है, 6, 6 का मतलब क्या होता है? 2 × 3। अगर किसी संख्या को 6 से काट कर देखना 6 से कटेगी या नहीं, तो वो क्या होगा? याद रखना, अगर ऐसे में 9 वाले में 3 × 3 मत कर देना, 16 वाले में 4 × 4 वाला नियम मत लगा देना सर, ठीक है, तो क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याओं वाले में टुकड़े में हो रही है तो वहाँ पर नियम लग जाएगा। तो अगर किसी संख्या को 6 से चेक करना है तो हमें पहले 2 का नियम देखना पड़ेगा, फिर 3 का नियम, अगर दोनों नियम लग जाते हैं तो संख्या 6 से कटेगी वरना नहीं कटेगी। जैसे अगर कोई कहे 52, 52 2 से भी कट रहा है 3 से नहीं कट रहा, तो संख्या नहीं कटेगी, 2 से कट रहा 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। अगर कोई कहे मान लिया 45, ये 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा, संख्या नहीं कटेगी। क्लियर हो गया भाई? 72 जो है 2 से भी कट रहा है, और 7 और 2 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए 6 से भी कटेगा। यहाँ तक भी क्लियर? इस नियम को अभी हम बढ़ाने वाले हैं, पहले अभी थोड़ा और देखिए। तो 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 16 हो गए, 3, 9 हो गए, 6 वाला हो गया, 5 और 10 सभी जानते हैं सर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए और 10 के लिए लास्ट में 0 होनी चाहिए, ठीक है। 5 के लिए लास्ट में इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, और 10 के लिए 0 होगा, तभी तो कटेगा। ओके, अब आ जाते हैं, एक नियम रह गया 11 का। 11 का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, 11 का नियम, क्या कहता है? कोई संख्या ले लेते हैं बहुत बड़ी, हमने 2, 4, 5, 3, 8, 6 मान लिया ये ले लिया हमने। अब इसमें हमें करना क्या है? मान लिया कितनी बड़ी संख्या है, उसके पहले अंक को लीजिए, फिर एक अंक छोड़ कर लीजिए, फिर एक अंक छोड़ कर लीजिए, फिर जो बच गए उनको ले लीजिए, यानी विषम स्थान वाले और सम स्थान वाले, स्थान विषम अंक नहीं कह रहा मैं, विषम स्थान, पहला तीसरा पांचवा एक तरफ जोड़ लीजिए, सम दूसरा चौथा और छठा एक तरफ जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, 8, 5, 13, 2, 15, 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है। सम का टोटल अलग कीजिए, विषम का टोटल अलग कीजिए, तो विषम वाले का टोटल 15 आया, सम वाले स्थान, सम स्थान वाले का टोटल 13 आया। इन दोनों टोटल का अंतर अगर 0 है, याद रखना 0 है, 11 है, 22 है, या 11 से कटने वाली कोई संख्या है, 0, 11, 22 या 11 से कटने वाली कोई संख्या, तो ये 11 से कटेगा वरना नहीं कटेगा। तो अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा? 2 आ रहा, तो ये 11 से नहीं कटेगी सर। कोई डाउट तो नहीं? देखते हैं सर। जैसे मान लिया एक संख्या आ गई भाई,
मान लिया ये संख्या आ गई, अब ये बताना है कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, इनको जोड़ा, तो 5 जोड़ दो 7 3 10, 2 5 7 3 10, 8 4 12 9 21, ठीक है। अब यहाँ 21 है, यहाँ 10 है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, तो संख्या 11 से कट जाएगी। अगर अंतर 0 आता तो भी संख्या 11 से कट जाती, ठीक है। अब हमने लगभग 11 तक के सभी नियम से सीख लिए हैं। अब इसमें जो है आपको देखिए, इनसे बड़े भी पूछे जा सकते हैं क्या? हाँ जी, जैसे पूछा जाएगा, आपके अगले ही सवाल को देख लेते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, कौन सी संख्या 45 से विभक्त होती है। तो 45 को चेक करते हैं, 45 का मतलब है 5 गुणा 9, ठीक है, यानी 5 और 9 का नियम लगाना है, 5 से कटने वाली चाहिए, 9 से कटने वाली। अब देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चीज़ होती है, ऐसा ही देता है वो, जिसको एक को देखते ही आप पहचान सकते हो। तो 5 का नियम लगाते हैं, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकती, इसको तो कैंसिल कर दो। सबसे पहले हमें उस नियम को लगाना चाहिए जिसको आप देखते ही पहचान सकते हो, क्योंकि 9 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, 5 देखते ही पता चल रहा, तो 5 का लगाइए। मान लिया 18 पूछता तो 18 का मतलब है 2 गुणा 9, तो 2 पहले लग रहा है, 9 बाद में लगाना, समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब जैसे 55 पूछ रहा है, तो 55 का मतलब है 5 गुणा 11, इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हमने क्या करा, हमने जो सवाल दिया गया है उसमें हमने 5 का नियम लगाया, इसमें नहीं लग रहा, बाकी सभी में 5 लग रहा है, तो 5 का कैंसिल हो गया। अब 5 को देखना ही नहीं है, सिर्फ 9 को देखना है। तो जिसका टोटल 9 से कट जाए वो संख्या कटेगी। जोड़ते हैं, 2 4 6 6 12 12 5 17 और 7 24, नहीं कट रहा, चेक करते चले, 7 1 8 2 10 18 25 5 30, 30 भी नहीं कटता, 7 3 10 2 12 15 18 आंसर, क्योंकि 18 9 से कट रहा है और 0 5 से कट रहा, तो इसलिए ये 45 से कटेगी ही कटेगी। सर किससे कह रहे थे, 45 से। अगला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से कट रही है, 11 से चेक करना है सर। तो आ जाते हैं, बहुत जल्दी करते हैं सर हम, 5 2 7 4 11, 8 7 15 3 18, 18 और 11 में अंतर 7 का नहीं हो रहा सर, 4 4 8 7 15, 8 6 14 16, 1 का अंतर है, नहीं चल रहा सर, 6 2 8 4 12, 8 3 11 1 12, ऊपर भी 12 नीचे भी 12, ठीक है भाई। देखिए 6 2 8 4 12, एक तरफ 12, 6 3 8 11 और 1 12, 12 और 12 में 0 का अंतर, इसलिए कट जाएगी, आंसर आ गया सी, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अब वही चीज है, संख्या 54@32@6 में @ के स्थान पर कौन सा अंक रखेगी यह संख्या 9 से विभक्त हो जाए, या संख्या इतने में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखेगी यह 11 से विभक्त हो जाए। तो पहले 11 वाले को देखते हैं, 39 #254 में हैश के स्थान पर क्या रखेगी यह 11 से विभक्त हो जाए। तो देखते हैं सर, इसका टोटल है 4 2 6 9 15, ठीक है, 4 2 6 9 15, ऊपर क्या रखे कि ये 15 ही हो जाए, तो 5 3 8 7 15, तो हैश बर, अगर इसको भी 15 करेंगे तभी तो अंतर 0 आएगा, तो अंतर 0 लाने के लिए 15 15 करना है, तो हैश बराबर क्या रखना है, हैश बराबर रखना है 7, आंसर आ गया। दूसरा, इसका टोटल 9 से कटना, 9 से तो टोटल करके देखते हैं, 5 4 9 9 3 12 14 6 20, 20 है प्लस 2@ है, सॉरी 2 बार @ है और 20 है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, तो 2 बार @ जोड़कर 20 को में क्या जोड़े कि ये 9 से कट जाए। अब 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 9 से कटेगा, लेकिन 7 के लिए 1@ की वैल्यू तो 3.5 हो जाएगी, नहीं चल सकता बस, तो 27 नहीं कर सकते हम, 2 बार @ जोड़कर इसको 27 नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखना @ जब आएगा, क्योंकि दोनों जगह एक सा ही चिन्ह है, तो दोनों की वैल्यू एक होगी, या तो 1 1 ले लो, या 2 2 ले लो, या 3 3 ले लो, या 4 4 ले लो, 3 3 लेते तो ये 26 होगा, 4 4 लेते तो 28 होगा, 3.5 ले नहीं सकते हम, क्योंकि एक अंक लेना ना, 1 डिजिट लेना है सर। तो क्या करें, तो 27 नहीं कर सकते तो बढ़ा दीजिए, बढ़ाएं तो कितना, 36 करने के लिए, तो 36 करने के लिए 1@ की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 8, तो 2@ 16, तो 1@ 8, @ = 8, तो ये हो जाएगा 36, और 36 9 से कट जाएगा, ठीक है भाई, ओके सर। तो आज हमने विभाज्यता के नियम भी बताए, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई सर, अभी कुछ चीज़ें रह रही हैं सर, वो अगली वीडियो में आपको फाइनल करा देंगे हम,
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।